गोल्डन जुबली धम्म दीक्षा कार्यक्रम 2006 में जब बाबा साहब का गोल्डन जुबली हुआ धम्म दीक्षा का 1956 से लेके 2006 में, दिल्ली और पूरे देश के कुछ साधारण मगर खास लोगों ने मिलकर एक रामलीला मैदान के अंदर सबसे बड़ा कार्यक्रम आज तक का दिल्ली का आयोजित किया। इस धम्म दीक्षा में पूरे देश के लोगों ने हिस्सा लिया और पूरे देश के लोग इसमें बहुत ही अच्छे बढ़ चढ़ के कार्यकर्ता बने और ये कार्यक्रम अपने शान और अपने मान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस कार्यक्रम की भव्यता इस बात के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी क्योंकि उस समय 2006 में पूरे देश के जो गणमान्य लोग थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे, वो सारे के सारे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आए। क्योंकि वो सभी सब बहुत अच्छे लोग रहे, उन्होंने कभी अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए या अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कभी नहीं कहा, इसलिए इस वीडियो में भी उनकी अनुमति से यहाँ नाम नहीं दिए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत शानदार था, इस कार्यक्रम की यादें अभी इस वीडियो में हैं फिलहाल और आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ में वो आती रहेंगी क्योंकि पूरे देश के अंदर जगह जगह कार्यक्रम लगे थे और जगह जगह मीटिंग्स हुई थी। इसमें जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को शायद आप अच्छी तरह पहचानते भी हैं और जानते भी हैं, सभी का धन्यवाद है। आप सबका भी, जो लोग आए उनका भी धन्यवाद है। वीडियो देखें, पुरानी 2006 की यादें देखें, अब वो चेहरे थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं क्योंकि 2006 और 2010 में लगभग 14 साल का अंतर हो गया है। आप ध्यान से देखें वीडियो को और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद। Yeah.
और दूसरा तरीका उनकी कथा जागरण करना और उनको फ्रूट चढ़ाना, फल चढ़ाना, वेज और नॉन वेज, बकरा सूअर मुर्गे भी उनको भेंट करना। और बहुत से लोग तो वहीं तक उनको भेंट करते हैं जिनको आदर्श मानते हैं, ये तरीका। और तीसरा तरीका है अपने आदर्श के आंदोलन को जानना, उस आंदोलन को समझना और उस आंदोलन को लक्ष्य तक पहुंचाना। अरे ही लोगों को ऊपर के दो तरीकों की आदत डाली गई है, जैसे चाहे 14 अप्रैल हो, हम करोड़ों रुपए केवल जयंती में खर्च करते हैं मगर उसके आंदोलन में अभी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। गुणगान करना, मेरी जयंती मनाना, किसी महापुरुष ने नहीं कहा। और पूरे भारत में दो तरीके अडोप्ट किए हुए हैं पूरा समाज, जबकि हर महापुरुष ने कहा जो काम में अधूरा छोड़ के जाना उसको पूरा करना, ये मेरे अनुयायियों के लिए मेरी नसीहत है। जो आज हमारे पास आदर्श है उनको आदर्शों को मानने का तरीका हम अपना इजाद करें, जो छोड़ गए उसको पूरा करें। और इसके बाद तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस जेल में हमारे बहुजन समाज को डाला उस जेल में आपके बहुजन समाज को टुकड़े 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 कर छोटी छोटी जातियों की जेल में बहुजन से बात पहला कार्यक्रम है जिसमें देश के कोने कोने से, देश के कोने तमिलनाडु के अंतिम छोर से लेकर कश्मीर और कन्याकुमारी कश्मीर के अंतिम छोर तक के लोग मौजूद हैं। साथी वीर बड़े जी, जय भीम, बोले जय भीम। ये जग अल्लाह कबीरा कहे, ये जग अल्लाह कबीरा, thank you.
अक्टूबर को समारोह हुआ, 8 अक्टूबर को समारोह हुआ, 25 अक्टूबर को समारोह हुआ, देश में कहां कहां क्या क्या हुआ उस सब की जानकारी देने के लिए मैं साथी पोनू दरे जी को बुलाता हूं कि वो धन्यवाद शान स्वरूप बौद्ध जी। साथियों मैं जानता हूं कि धूप थोड़ी प्रस्तुत करने वाली है, चले हम प्रबुद्ध भारत की ओर। ये शीर्षक वाला महानाट्य दोपहर 2:30 बजे इस कार्यक्रम के लिए चलाया। मैं साथी जगमोहन पवार जी को बुलाना चाहता हूँ, आएंगे और अपनी बात रखेंगे। जगमोहन पवार जी ताली बजा उनका स्वागत करें। धन्यवाद आदरणीय मन और बाबा साहब के बहादुर सिपाहियों माताओं। बाबा साहब ने एक नजर दौड़ा के देखा कि क्या कारण है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक ये मेरा दलित समाज एक समान रूप से करीब, एक समान रूप से। बाबा साहब ने कहा ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हो तो अपने उन ग्रंथों में से मात्र 4-6-10 पन्ने फाड़ कर फेंक दीजिए, जिसमें लिखा है कि दलित को पढ़ने का अधिकार नहीं, दलित को मानो नहीं समझा जाता, जो हमें नीच रहता है। विराजमान सभी प्रभु साथीगण, पंडाल में बैठे हुए सभी समाज के अगुवा, समाज के अग्रणी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी साथियों को बाबा साहब की तरफ से पूरे बाबा साहब के 1956 मैं जो करण किया था नागपुर के अंदर, उस परण पर आप लोग खड़े उतरने की जो कोशिश पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं ये एक सही कदम। हम सुनते हैं कि हरियाणा के अंदर जो हर कोने कोने में इसमें धम्म दीक्षा के स्वर्ण जयंती के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम हुए उसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को मिली। अभी हमारे बीच में और संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह। मेरे ऊपर चढ़ रहा हो मेरे मान जो अनिल विश्वकर्मा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी धम्म क्रांति की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नाग भूमि से 14 अक्टूबर 1956 को की थी। उस बात को 2006 में पूरे 50 साल हुए, इस लिहाज से यह वर्ष हमारे लिए स्वर्ण जयंती वर्ष है। So I'm so pleased.
pleased to be here with all of you today. तो आप सभी लोगों के बीच में होते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. It's really good to see so many buddies together here in the capital of India. भारत की राजधानी में इतने बड़े बौद्ध देखकर मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है. So I've been आपके लिए विश्व के लिए उनके पास संदेश है. You Indians, you shouldn't keep Baba Sahib to yourself. आप लोगों ने बाबा साहब को केवल अपने पास ही रखा. Baba Sahib doesn't belong just to you. बाबा साहब केवल आपके नहीं है. It belongs to the whole world. बहुत सारे दुनिया के है. This world would be a wonderful place. अगर विश्व ने बाबा साहब का संदेश समझ लिया तो ये विश्व एक सुंदर ऐसा स्थल बन जाएगा. हाँ, समझते सकते हैं. सारा जुड़े हुए वो चला जाएगा. Everywhere human beings would be brothers and sisters to each other. सारे विश्व में लोग अपने आपस में भाईचारा रखेंगे और भाई बहन होंगे. So this is what people are beginning to realize all over the world. यही तो विश्व में चेतना फैलाने की आवश्यकता है. And I bring you the great things of the Buddhists in the Western world. और बाबा साहब की और बौद्ध की जो शिक्षा है वो यूरोपियन देशों में मैं ले जा रहा हूँ. Not just Europe, but in the West in general. केवल यूरोप में नहीं तो जर्मन में भी ये जा रहे हैं. मैं सारे भारत में भ्रमण कर रहा हूँ. And everywhere I go, I meet people who say, Jai Bhim. जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे जय भीम कहते हैं. लेकिन उनमें से बहुत ज्यादा लोग नमो बुद्धाय नहीं कहते. That's why I'm so pleased with the title of this conference. इसलिए so many people don't realize why Baba Sahib came to the Buddha Dhamma. बहुत लोग ये सही मायने में जानते नहीं कि बाबा साहब बौद्ध धर्म में क्यों आए. They don't even know that he came to the Buddha Dhamma. बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि वो बौद्ध धर्म की उन्होंने दीक्षा ली है. We need to tell them that the Buddha Dhamma is such a thing. ये बौद्ध धर्म भारतीय समाज को बदलने की अहम जरूरत है. जहाँ कहीं भी मैं भारत भर जाता हूँ तो मैं उत्पीड़न की, जाति उत्पीड़न की और उनके ऊपर अन्याय की कहानियाँ सुन हो जाए तो भारत सारे विश्व का प्रतिनिधित्व कर सकता है. वो चीज था वन थिंग. वो एक चीज क्या है? जाति. जात. अगर हम जाति व्यवस्था से बाहर आ जाते हैं तो भारत विश्व का प्रतिनिधित्व कर सकता है. If India got rid of jati, it would be a genuine country of liberty, equality and fraternity. अगर जाति से भारत बाहर आ जाता है तो ये सही मायने में समता, स्वतंत्र और बंधुता का एक मायना बनेगा. This is what Baba Sahib gave his life for. इसीलिए बाबा साहब ने अपनी सारी जिंदगी दे दी. Throughout his life, he gave a wonderful land to India. उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ऐसी भूमि बनाने की कड़ा संघर्ष अपने जीवन में किया. He struggled through political means. उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्थाओं से संघर्ष किया. In so many different ways, he worked to bring a caste society to India. कई मायनों में बाबा साहब ने एक जाति रहित समाज बनाने के लिए इस देश में संघर्ष किया. Brothers and sisters, आज का यह भारत जाति रहित समाज है. Is it an equal society? क्या यहाँ एक समता मूलक ऐसा समाज है? Is it? है क्या? नहीं, नहीं. It's not. नहीं, ये नहीं है. So all those means that Baba Sahib used were not enough. तो जो कुछ भी बाबा साहब ने किया उससे भी और करने की जरूरत है. Why was it not enough? ये पर्याप्त क्यों नहीं रहा? We have this wonderful constitution. इतना सुंदर संविधान हमारे पास है. But it's not. It's in the mind. क्योंकि जाति ये है, ये हमारे मन में है. It's in the mind. It doesn't exist out there. जाति कहीं ऐसी बात दिखती नहीं. ये हमारे the mind is through the Buddha Dhamma. और अंतिम काम उन्होंने ये जाना कि अगर जाति को मन से उपार फेंकना है तो ये केवल बौद्ध धर्म का सब. जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए हैं वो उद्देश्य आ गया. बहुत महत्वपूर्ण है. किसी के चलने से, किसी के फिरने से, किसी के बैठने से कोई नहीं मिलेगा. जो जहाँ है वहां उनको बताना है कि हम भूख में गर्मी में, प्यास में, अगर बाबा साहब के काम के लिए आधा घंटे लेकर आए तो कहीं सुन रहे हैं तो उनके पास वाले सुन रहे हैं, उनको रोक के बैठा ले वहीं. क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. जिस उत्सव के लिए आप आए हैं वो उत्सव का समय आ गया है. और अगर उत्सव नहीं होगा तो मन खुश नहीं होगा. और उत्सव अगर अच्छा नहीं हुआ तो जो करने वाले हैं, जो उत्सव कराने वाले हैं,
उनका भी मन खुश होगा। तो जो चल रहे हैं उनको बैठने वाले अपनी ड्यूटी समझे और उनको कहें कि वो बैठ जाए, उनसे निवेदन करें, उनसे हाथ जोड़े। साइड में जो लोग खड़े हैं वॉलंटियर भी बैठ जाए। ये गैली में चलने वाले जो लोग हैं उनको बाकी लोग कहेंगे वो निवेदन करके बैठ जाए। ये चलने वाले जो भी लोग हैं और साइड में खड़े होने वाले लोग हैं ये बिल्कुल बैठ जाए, कोई हलचल नहीं होगी। साथियों, मुख्य उत्सव का समय आ गया है। मुख्य उत्सव जिसके लिए आप आए, स्वर्ण जयंती दीक्षा समारोह मनाने के लिए आए हैं। ये स्वर्ण जयंती दीक्षा समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरे देश में इस बार करोड़ करोड़ लोग पहुंचे हैं। अगर मैं अपने सबसे पवित्र धर्म स्थल की बात करूं, मुख्य धर्म स्थल की बात करूं, तो धर्म स्थल जो नागपुर के अंदर है वहां 51 लाख लोग पहुंचे पूरे सप्तमन में। 51 लाख लोग दशहरा जो हमारा धर्म विजयदशमी है उसको मनाया, 16 लाख लोग धर्म विजयदशमी वाले दिन। और ये जो आप फ्रंट सीट का झंडा देख रहे हैं उस दिन वहां 1 लाख लगे हुए थे, पूरा नागपुर कवर था। एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसके पास गुरु में वातावरण ना हो। मैं निवेदन करूंगा जो बाहर घूम रहे हैं वो लोग अंदर आ जाए, जो बाहर घूम रहे हैं वो लोग अंदर आ जाए, और जो खड़े हैं मुझे अभी खड़े दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल शांति से बैठ जाए। ये इधर संता सैनिक दल के जो लोग हैं इधर वो लोग भी बैठ जाए, संता सैनिक दल के लोग और वो भाई साहब कोने में खड़े हुए वो भी बैठ जाए, सब लोग शांति से बैठ जाए। बिल्कुल कोई आवाज नहीं आएगी, इधर चलने वाले लोग हैं वो भी बैठ जाए। पंडाल में बिल्कुल शांति रहेगी, कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांति रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट काम होने जा रहा है, बाबा साहब का उत्सव है, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। 1956 के बाद दिल्ली में 50 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, वो भी देश में राजधानी के अंदर। सब जानते हैं कि बुद्ध का करुणा है, बुद्ध का मैत्री है, बुद्ध का भाईचारा है, मगर बुद्ध का एक और भी हिस्सा है, वो हमें नहीं बताया जाता, वो हमें सुनाया नहीं जाता, वो कहीं दिखाई नहीं देता, मगर वो बुद्ध का पहला हिस्सा है। करुणा मैत्री भाईचारा दूसरा है। भूखे आदमी को, गुलाम आदमी को, जिसको गुलामी की जंजीरों में चढ़ा हुआ है उसके लिए करुणा मैत्री भाईचारा बहुत कम महत्व रखता है। गुलामी को आजादी उसके लिए पहली उसकी जरूरत है। तो बुद्ध का पहला काम को दावत दे रहा हूँ कि ऐतिहासिक मौके को न खोए और पंडाल के बीच में आके जहां भी जगह मिले वहां पर खड़े हो जाए, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। साथ के साथ इस अंतिम चरण को पूरा करने के बाद इस पंडाल में हम लोग मिलकर आपस में खाना खाएंगे, खाना यहीं पर वितरित होगा। लेकिन उससे पहले साथियों से, सुधीर जी से, अनिल जी से, शांतनु बोध जी से, रजनी से, एस के विश्वास जी से, अवतार जितने भी साथी हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके बीच में सैकड़ों बड़े बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं, मंच पर भी हैं, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम में हम सब लोग बराबर हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। अब हमारे साथी विधिवत तरीके से भिक्षुगणों से निवेदन करेंगे। अनुग्रह कृत्वा धम्म दीक्षा
ज्ञान सीए और करना ऐसा 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 भविष्य सब बोला।
अपने वतन का धर्म का है। असल में बौद्ध धर्म असल में सारे दुनिया का धर्म है, असल में बौद्ध कम्युनिटी का धर्म असल में बौद्ध कोई धर्म नहीं होता। लेकिन मैं संकेत करने का प्रयास करता हूँ कि कांग्रेस के किस धर्म को नहीं मानते, लेकिन उस धर्म को मानने की जरूरत है। सर दिशा क्या है इस पर आधारित सुंदर
पर घुसपैठ हुई है। हमारे मूल निवासी नागवंशी सिंधु संस्कृति को तहस नहस किया जा रहा है। अरे सुंदरी हो प्रकृति माँ, धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष को इन विदेशी आर्यों ने अपनी कुटिल नीति से अपने कब्जे में कर लिया और देवी देवताओं का निर्माण कर भारतवर्ष के नागरिकों की बुद्धि भ्रष्ट कर उन्हें मानसिक गुलाम बना दिया। वर्ण के आधार से आर्यों ने इस समय ब्राह्मण क्षत्रिय बड़े मूल्यों को तहस नहस करते हुए अपने पैर फैलाता गया और आर्य ब्राह्मणी समाज मूल निवासियों को गुलाम कर देश सामाजिक आर्थिक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भयान विलासिता में डूब गया। यद्यपि मैं एक बात आपके समक्ष रखूं तो वह ज्यादातर कदापि नहीं होगी। आर्यों के समाज की यौन यौनिकता जानकर उनके वर्तमान वंशजों को जरूर सदमा पहुंचेगा। इधर अनेक ब्राह्मण राजा जुए में अपना सर्वस्व मनोरंजन के लिए विलासिता में दांव पर डुबो देते थे। महाभारत की एक प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों और पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ नियंत्रण सम्मान एवं प्रतिष्ठा के लिए चुनौती माना जाता। जुए का आमंत्रण मिलना ब्राह्मण राजा सम्मान समझते। जुआ सिर्फ राजा महाराजाओं तक सीमित न था, आम आदमी भी इससे ग्रसित था और प्रजा ने जुआ खेलने के लिए राजा द्वारा अनुमति पत्र बड़े पैमाने पर दिए जाते जिससे राजा को निश्चित राजस्व मिलता था। इस तरह दुर्गुणों से भरी आर्यों की सामाजिक स्थिति भयावहता ही पार कर गई थी। एक ओर जुआ तो दूसरी ओर सोमरस पीने में वो ब्राह्मण सबसे प्रथम थे। साथ ही अपनी पुत्री तथा कई स्त्रियों के साथ संभोग समागम खुले तौर पर उद्रेक धारण कर चुका था। का वध किया करते वह उन्हें पुनः स्वस्थ करने के लिए संजीवनी
सोमरस उन असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य को पिला दो और संजीवन दराज अपने बस में कर लो। तो राज भी और संजीवनी भी अपने वश में हो जाए। सोमरस लाने को कहा तो इतना भी हमारा सिर बिना सोमरस के फटा जा रहा। महाराज विराट भी हमें यहाँ सोमरस पिलाने से अपना मुंह काला कर चली जाए यहाँ से। चली जा। Gracias.
बड़ी संख्या में कूटनीति कर राजा भगदत्त का विश्वास संपादन किया। पुष्यमित्र शुंग ने राजा भगदत्त का भरे दरबार में शिक्षित कर ब्राह्मणी धर्म की स्थापना भारतवर्ष में कर दिया। पाने के लिए निरंतर ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। जो आत्म सत्य को लोक भाषा के माध्यम से अपने विचार जनमानस तक पहुंचाने जैसे दूसरा पवित्र कार्य नहीं। ऐ कबीरा, क्या तेनु दूसरे काम धंधे नहीं है जो दिन रात हर गली में चौराहे पर अपनी कठरी लिए गाते बैठ जाते हो? चलो निकलो यहां से, निकलो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अच्छे कर्म सद्ज्ञान और सदाचरण ऐसे प्रत्येक प्राणी के सामाजिक प्रयासों से ही राष्ट्र प्रेम की भावना को बल मिलेगा तथा चरित्रवान बनने की इच्छा हर मनुष्य में तभी उत्पन्न हो सकती है। अच्छे कार्य को ही दुनिया विरोध करती है, किंतु तुम सत्य की कसौटी पर खड़े उतरना। रविदास का जन्म 15 फरवरी 1398 में चावर वंश काशी के गोवर्धनपुर गांव में हुआ। वे कहते हैं, जात न जात, सामाजिक व्यवस्था केले के पेड़ जैसी होती है। जिस प्रकार केले के पेड़ में पत्तियां ही पत्तियां मिलती है, जब तक जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होती इस देश से, तब तक मनुष्य मनुष्य से भाईचारा निर्माण नहीं कर सकता। जात पात के फेरे नहीं उर्जी रही सब लोग, मानुषता को खात है रविदास जात का रोग। जाति व्यवस्था के कारण आप मूल निवासी लोग दुख में डूब चुके हैं, मानवता पीड़ित हो गई है। सारे लोग जाति व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। तुम जान लो जनो, ब्राह्मण मौलवी ये सब है एक, सभी को एक जैसा एक नजर से एक समान देखना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, किसी की जात ना पूछ, हम सब एक ही है। एक ही ज्योति से निर्माण हुई मनुष्य उत्पत्ति है, फिर ये ऊंच नीच का भेद कैसा। इस राज की कल्पना और उचित बच्ची उन्होंने मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कश्मीर से मध्य प्रदेश, उड़ीसा से बिहार प्रांत पद यात्रा कर मानव को जागरूक करने का कार्य किया। एक दिन संत मीराबाई के कहने से वह मंदिर में लोगों को उपदेश देने लगे। ये सब ब्रह्मण ने देख गुरु रविदास पर प्राण घातक हमला कर मंदिर में ही उनकी हत्या कर दी और ब्राह्मणों ने उनकी मृत्यु का ऐसा प्रचार किया कि उनके शरीर से सूर्य किरण सा नष्ट होने की वजह से शूद्रों का आदर पतन, इतना अनर्थ एक विद्या के नकार से हुआ, सावित्री एक विद्या के नकार से। सावित्री, आज हमने स्त्रियों के लिए भारत की पहली पाठशाला शुरू की। इस पाठशाला
पहनावा को शुरू करने के लिए ब्राह्मणों के कड़े विरोध से हमें गुजरना पड़ा। आज तो सारे ब्राह्मणवादी लोग समाज के ठेकेदार हमें अनन्य तरीकों से अपमानित कर रहे हैं। तुम्हें तो पत्थर और मुंह पर गोबर फेंक कर थूक कर अपमानित किया जा रहा है। इतना विडंबन, इतना तिरस्कार। आप कैसे बात करते हो ब्राह्मण? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपने जो समाज सुधार का बेड़ा उठाया है वहाँ वो बहुत व्यापक है। मैं आपकी सहयोगी हूँ, मेरा कर्तव्य निभाती रहूंगी। साहू, हम जिस समाज के लिए आंदोलन चला रहे हैं बहुत बड़ा है। हमें आज की इस भयान परिस्थिति में शेठ जी, भट जी, लाल जी, इनका मुकाबला करने के लिए शूद्रों अतिशूद्रों को संगठित करना होगा। यह काम शूद्रों अतिशूद्रों को सोचने समझने वाला समाज बनाकर करना होगा साहब। और इसीलिए मैंने शिक्षा का आंदोलन शुरू किया है, जिससे यह समाज ब्राह्मणवाद के खिलाफ उठकर क्रांति का बिगुल फूंके। हमारे बहुजन समाज के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए ब्राह्मण शिक्षक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये सब सरकार की जिम्मेवारी है। ब्राह्मण भक्तों की रूढ़ी परंपराओं को हमें किसी भी तरह खत्म करना ही होगा। सब कोई पूजा पाठ की विधि, शादी ब्याह, अंत संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराना होगा। इन्होंने हमारे शिक्षा संपत्ति के अधिकार छीनकर ना समझने वाला समाज बनाकर रख दिया। इस मनुस्मृति का भी हम पूरे जोरों से विरोध करेंगे। साहू, शूद्रों अतिशूद्रों को संगठित होना ही होगा। किसानों मजदूरों को संगठित होना होगा और संगठित होकर जाति व्यवस्था का अंत करना होगा। इस आंदोलन में कार्य करते करते काफी समय गुजर चुका है, पर जीवन के इतिहास में भगवान बुद्ध इस वर्णवादी जाति व्यवस्था से मुक्त हो रहा है। मानव के कल्याण के लिए सार्वजनिक सत्य धर्म का पालन करना ही होगा। ज्योति, ज्योति, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? सावित्री बेटी, ज्योति को कुछ समझाओ। मेरी तो बात ही नहीं मानता। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं बेटा, हमें बिरादरी में रहने दो। क्या वो भूखे ब्राह्मण हमसे झूठ बोलेंगे? क्यों पाप लेता, क्यों शास्त्रों के विरुद्ध जाता है? छोड़ दे, छोड़ दे स्त्रियों को पकड़ा। पिताजी, मैं जो कुछ कर रहा हूं इंसान के भलाई के लिए ही कर रहा हूं। तो पर मैं अपना समाज परिवर्तन का कार्य किसी भी हालत में बंद नहीं करूंगा पिताजी। ठीक है, ठीक है, यही तेरी इच्छा है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पर ये तेरा कार्य मेरे घर के बाहर निकल कर तुझे करना होगा। ठीक है पिताजी, मैं आपके घर से निकलकर ही इस समाज क्रांति को जारी रखूंगा। इस देश से अज्ञान अंधकार को हटाकर ही रहना। चलो साहब, क्या दुखी पीड़ितों के कल्याण के लिए नया मार्ग खोजें। ये कोण खोला तथा महात्मा ज्योतिबा फुले ने आधुनिक मराठी रंगभूमि का पहला नाटक तृतीय वर्ण लिखा, किंतु इतिहास से इस नाटक को भी अदृश्य किया गया। ज्योतिबा का संघर्षमय जीवन आधुनिक क्रांति की शुरुआत है और इसी क्रांति से प्रेरणा की दृष्टि बहुजन समाज को जागरूक करने की अहम भूमिका निभाती है। 1884 में और नहीं, नहीं, आप तो मुझे कुछ ज्यादा ही बढ़ापन दे रहे हैं। असल में तो बात यह है कि मुझे लगा कि यह बात गलत है, तो मैं उसके विरुद्ध बोल उठा। किंतु हमारा बहुजन समाज इतने वर्षों से चातुर्वर्ण की समाज रचना में गुलामी सहकर भी अपनी जुबान नहीं खोलता, इससे दुर्व्यव की बात और क्या हो सकती है? इसीलिए हमने इस समाज का स्तर ऊंचा करने के वास्ते हमारे राज्य में सबको शिक्षा देने का वचन दिया है।
समाज में जो विलक्षण कृत्रिमता आई है उस विषमता की जड़ें ही उसे मिटानी है। इतने वर्ष बीत गए हम कोशिश कर रहे हैं पर ये कार्य इतना आसान तथा छोटा नहीं है। हजारों वर्षों की इस गुलामी और विषमता को हमें दूर करना होगा। हाँ उसे आपके प्रयत्न से महाराज कुछ हद तक क्यों न हो लेकिन कम होती नजर आ रही है। महाराज आपने जिस डॉक्टर अंबेडकर को मदद दी है उसका नाम तो पूरे भारत में आज बड़ी चर्चा में है। आप ही की वजह से ये आगे बढ़ पाया। नहीं 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 वो भीमराव अंबेडकर खुद की मेहनत और समाज की असमानता से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा है। याद है आप लोगों को मैंने 20 मार्च 1920 के मानगांव परिषद में उस विद्यार्थी के बारे में क्या कहा था? क्या कहा था शिव महाराज? मैंने कहा था कि ये अंबेडकर नामक विद्यार्थी दलित शोषितों के ही सच्चे नेता नहीं बल्कि संपूर्ण भारत देश के एकदम बहुत बड़े विद्वान नेता बनेंगे। उसी के लगन को देख हमने उसे शिष्य रक्ति दी है। हमने 1902 आरक्षण आंदोलन की भी शुरुआत की ताकि हमारे लोग अपने पांवों पर खड़े होकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष कर सके और अपने राज्य में छुआछूत हटाने का नया कानून हमने बनवाया। विद्वानों के पुनर्वाद सर्वार्थ से आप जनता के लोक राजा है। आत्मसम्मान आरक्षण के समर्थन एवं ब्राह्मणवादी धारा एवं पंडितों के खिलाफ धर्महीन आंदोलन चला। 1910 के दशक में एलियोस थेस के नेतृत्व में तमिलनाडु के पेरियार नामक दलित लोगों ने बुद्ध धर्म अपनाया। भीमराव बले बड़े हुए। उनकी मां का बचपन में ही बड़े जल्दी ही देहांत हुआ। इस वजह से उनकी बुआ भीमाबाई ने माँ का प्यार दे उन्हें खड़ा किया। एमए पीएचडी डीएमसी एलएलडी डीएड बार एड लॉ ऐसी एक ना अनेकों बड़ी बड़ी शिक्षा विभूषित पदवी होने के बावजूद भी उन्हें छुआछूत और जातिवाद हमेशा सताता रहा। वो हमेशा सोचते कि मानव समान होने के बावजूद भी ये भेदभाव पीने का अधिकार क्यों नहीं? 14 तालाब के पानी को पीने से आप और हम अमर होंगे ऐसा नहीं। आज तक हमने ये पानी नहीं पिया फिर भी आप और हम मरे नहीं। 14 तालाब पर जाने का उद्देश्य केवल इस तालाब का पानी पीना इतना ही नहीं, हम इस आंदोलन से ये जताएंगे कि हम भी इंसान हैं। जिस तरह फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में जन्मसिद्ध मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र जाहिर किया जिसे दुनिया के विकसित राष्ट्रों ने माना, वही मार्ग हिंदू समाज के परिवर्तन के लिए इस सभा में निर्धारित करना चाहिए। शास्त्र विधि द्वारा इस संपूर्ण तालाब को शुद्ध करना
का शास्त्र ज्ञान मनुस्मृति का अध्ययन करता हूं। महेश्वर मंदिर में प्रवेश बंदी का आदेश कलेक्टर द्वारा आया है। ये हमारे सत्याग्रह को रोकने की साजिश है, पर किसी भी हालत में हम ये होने नहीं देंगे। हम बिना लाठी काठी लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे, किंतु हम इसे रुकने नहीं देंगे। सफल करना है। हमारी ये परिषद इस युग में धार्मिक समानता लाने के लिए है और छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। किसी भी मनुष्य की योग्यता उसके जन्म से नहीं, उसके कार्य एवं गुणों से होनी चाहिए। धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकती, इसे हमें नष्ट करना ही होगा।
चाह।